चिकड़ी भजनों का प्रोग्राम आपके नए गांव में कराया जा रहा है। इसके ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान देशवाल साउंड सर्विस कठुमर से, और जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह नगला पछांद्रा से, और जो झींका पर झनकार दे रहे हैं पंडित घनश्याम जी रूपा से, और जो पैर पर संगति कर रहे हैं श्रीमान रामजी सिंह बड़ी का कठुमर से, आपके सामने गायक कलाकार चौधरी बिमलेश गांव सैनपुर जिला हाथरस से, आइए सुनिएगा चिकड़ी भजना का प्रोग्राम। परमादरणीय सज्जनों, यहां पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महानुभाव, इस प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, मेरी आवाज का शुद्ध ही गंगा यमुना के जैसे पवित्र, मेरी आज शक्ति यानी कि मेरी मात्र शक्ति में थी माता बहनाएं एवं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन, सभी के लिए विमला चौधरी की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार व प्यार भरा राम 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 सब। आदरणीय सज्जनों, आप ही की बच्ची हूं, कोई इतनी बड़ी खास कलाकार नहीं जो कि आपके इस कमल रूपी हृदय को गदगद कर सकूं, खुशी से खिलासों की प्रफुल्लित कर सकूं, लेकिन जो भी मेरे मुख से शब्द निकले उन्हें कृपया ध्यान से मन लगाकर सुनिएगा। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, चाचा जी बताया है कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, अरे औरन को शीतल करे तो आपौ शीतल। आइए चलते हैं, लिख दिया है आप जैसे विद्वानों ने चार लाइनों में, और भैया जी क्या कि राग वही जामी राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, तिरिया वही पतसंग जले और पुत्र वही जो पिता के कहे को, कि सूर्य वही चरण से ना हटे और भैया वही जो की पा गए को, कि मतलब के यार अनेक बने पर यार वही जो विपद को। तो आइए चलते हैं, सभी से एक बार विनम्र निवेदन करूंगी कि जिस जिसको प्यारे प्रभु ने सुंदर से दो हाथ दिए हैं दोनों हाथों को ऊपर खड़ा करेंगे और अपनी जिभ्या को पवित्र करते हुए एक बार इस प्यारे प्रभु का जयकार लाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गौर करिएगा सज्जनों, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने बताया है इस इंसान के लिए एक चेतावनी दी है, और चाचा जी कहना क्या हे सोच जरा सोच जरा सोच जरा, कहना क्या हेरे सोच जरा मत वाले इंसान और तू मिट्टी में मिल जाएगा।
कहना है क्या? अरे बस में तेरी पड़ी रहेगी तेरा भंगी कफन उठा कुटुंब कबीला काम नहीं कोई आएगा क्यों हेरे भाई बंद और कुटुंब कबीला काम नहीं कोई आएगा और हेरे धन दौलत और माल खजाना सब यहीं पड़ा रह जाएगा क्यों कहते हैं कि कितने भी कमा लो हीरे मोती चाचा जी कहा है अरे कितने भी कमा लो हीरे मोती पर याद रहे प्यारे कफन में जेब नहीं होती अरे मौत की गोद में एक दिन सोना होगा क्यों अरे मौत की गोद में एक दिन सोना होगा अरे ना कोई तकिया होगा और ना कोई बिछोना होगा सुनिएगा कहना है क्या हेरे भाई बंद और कुटुंब कबीला काम नहीं कोई आएगा और अरे धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रहे जाएगा क्यों अरे जिस दिन तेरा दम निकलेगा क्या बात भैया जी क्यों कहना है क्या और इसी बीच एक शेख पुरस्कार श्रीमान ये कबड्डी टीम की तरफ से देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद साहब आशीर्वाद की कामना करते हैं चाचा जी कहना है क्या अरे जिस दिन तेरा दम निकलेगा और भंगी कफन उठाएगा सोच जरा मत वाले इनका मिट्टी में मिल जाएगा सोच जरा मत वाले इनका मिट्टी में मिल जाएगा और इसी बीच क्या मेरे का पुरस्कार ये बड़े भाई देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद साहब गौर करिए कहना क्यों अरे शंकर भाजी चाहे विष्णु भाजी क्या अरे शंकर भाजी चाहे विष्णु भाजी चाहे भजले पूछरी का लौटा है क्यों अरे शंकर भाजी चाहे विष्णु भाजी चाहे भजले पूछरी का लौटा है क्यों अरे शंकर भाजी चाहे विष्णु भाजी चाहे भजले पूछरी का लौटा है अरे इत युत को कहे भटक रहा चाचा जी कहना क्या अरे इत युत को कहे भटक रहा जैसे बिन पैंदी को लौटा है क्या बात है कहना क्या अरे इत युत को कहे भटक रहा जैसे बिन पैंदी को लौटा है जी गौर करिएगा सज्जनों कहते हैं आए थे वो चले गए बाकी सब कवाली थे और सिकंदर जब दुनिया से चला तो दोनों हाथ खाली थे आइए चलते हैं अच्छे से प्रश्न की तरफ गौर करिएगा एक समय की बात भोले शंकर जी और मां पार्वती दोनों भ्रमण करने के लिए एक बियाबान जंगल में आ जाते हैं
इधर उसी जंगल में राजा हरिचंद शिकार खेलने के वास्ते चले आ रहे हैं। गौर करिएगा कि बाई बनी ते घूमत घूमत, चाचा जी अरे बाई बनी ते घूमत घूमत रहे शिव पार्वती जाइए, और हरिचंद को देख सामने ऐसे लवज सुनाई है, अरे धर्मवीर और करमवीर में क्या कहा भोले बाबा ने कि धर्मवीर और करमवीर में दया वीर सुज्ञानी और ये दान में अच्छो दानी। इधर माँ पार्वती ने कहा हे प्राणनाथ हे स्वामी मेरी बात पर गौर करिएगा कि बहुत देर से सुन रही मैं, क्या कहा हाँ अरे बहुत देर से सुन रही मैं और गाथा रहे तुम गाय, अरे मिले इजाजत आज मोह में लऊं भूप अज माय कि शंभु कहे तू सुन ले गोरा, क्या कहा अरे शंभु कहे तू सुन ले गोरा, अरे पूरी कर ले इच्छा है, अरे जैसी चाह तू हरिचंद की ले ले आज परीक्षा है कि गोरा कहे, क्या कहा अरे गोरा कहे ये सफल हो तो, हे भोलेनाथ गोरा कहे ये सफल हो तो वरदान दऊ सुन अर्जी और नहीं साप दऊ मेरे। आहा सजनो इधर भोलेनाथ जी ने माँ पार्वती को आज्ञा दे दी, माँ पार्वती अपने भेष को बदल करके अपने रूप को बदल करके राजा हरिचंद की परीक्षा लेने जा रही है। सुनिएगा भैया जी लिख दिया क्या कैसे, अरे धरि चांडाल को भेष बिखर रे और के स्वरूप अति बड़ो, हेरे सोन कुसोन जब आई है जाए जो देख लिया को पड़ो, कैसे भाई तीन और ये हीन लकड़िया तीन रही फल पत्ता, कौन वो माँ पार्वती अपना भेष बदल करके और बियाबान जंगल में चली जा रही है, कैसे भाई तीन और ये हीन लकड़िया तीन रही फल पत्ता क्यों, अरे जर जर है रहो चाचा जी, अरे जर जर है रे कांति बदन के फट रहे कपड़ा लता, जर जर है रे कांति बदन के फट रहे कपड़ा लता। लेकिन सुनिएगा आज के जमाने को नजर में रखते हुए लिख दिया है कवि ने अपने शब्दों में, और चाचा जी कहते क्या, अरे मैं लिखकर जाई गंगा यमुना चाचा जी क्यों, अरे मैल कर दई गंगा यमुना और पाप जगत में चार है क्यों, कहना है क्या, अरे मैली कर दई गंगा यमुना और पाप जगत में चार है क्यों, माता पितन को अरे माता पितन को रोटी ना पर कम्मा देवे चार है, माता पितन को रोटी ना पर कम्मा लेकिन कहना है आज का इंसान क्या करता है, गैया की सेवा छोड़ दई चाचा जी क्यों, पहले हिंदू दरवाजे पर लिखते थे स्वागतम और फिर लिखने लगे वेलकम और फिर लिखने लगे पधारो सा, लेकिन आज का ये हिंदू दरवाजे पर क्या लिखता है, पहले हिंदू दरवाजे पर लिखते थे स्वागतम फिर लिखने लगे वेलकम और फिर लिखने लगे पधारो सा, लेकिन आज का ये हिंदू दरवाजे पे लिखता है कुत्तों से सावधान।
क्यों गैया की सेवा छोड़ दई और कुत्ता को बिस्कुट ला रहे आज का ये मनुष्य क्यों गैया की सेवा छोड़ दई और कुत्ता को बिस्कुट ला रहे और कहे तेजसी अरे कहे तेजसी ये हिंदू मुर्गा दे रोटी खा रहे कहे तेजसी गौर करिएगा इधर माँ पार्वती ने अपना भेष बदल लिया बियाबान जंगल में एक एक लकड़ी को इकट्ठा कर लिया गौर करिएगा कैसी हालत है कि हाथ पांव जाके शबरे कांपे चाचा जी अरे हाथ पांव जाके शबरे कांपे और है गई बहुत उमरिया है अरे भारी भरकम बोझ बांधिया ने भर ली आज गठरिया हाँ जी समय का भाव और सुनिएगा एक छोटा सा गाना गौर करिएगा सज्जनों ध्यान से सुनिएगा गाना एक समय की बात है सभी ध्यान से मन लगाकर सुनना गाने में एक रहस्य छुपा हुआ है और अनुमान लगाना लेकिन फिल्मी दुनिया वालों ने एक धुन निकाली थी चाचा जी और कौन सी दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है लेकिन कहना है गाने की तरफ ध्यान छह दिन को दूल्हा चाचा जी अरे छह दिन को दूल्हा दुल्हनिया की खम्मासी खम्मासी हिरे छह दिन को दूल्हा दुल्हनिया की खम्मासी क्यों और बहु नदी के मोए लगे यकी अम्मासी और
कन्या दान इंद्र ने किया था सज बेटी बारो जो। अरे दूल्हा की तो सकल कैसी है जो? अरे दूल्हा की तो सकल लगे कछ ब्रह्मासी ब्रह्मासी जी। अरे दूल्हा की तो सकल लगे कछ ब्रह्मासी ब्रह्मासी जो। और कहू नदी के बोल लगे यकी अम्मासी लेकिन लास्ट में मैंने जवाब दिया है खाने का निशोर और क्या लिख दिया चाचा जी जी। अरे या देवी को दुनिया पूजे तुम अनुमान लगाओ क्यों? या देवी को दुनिया पूजे तुम अनुमान लगाओ क्यों? अरे कौन बने ये दूल्हा दुल्हन या को पतो बताओ क्या बात है जगह पुरस्कार हमारी आंटी जी देती है बहुत बहुत धन्यवाद साहब कहना है क्या? अरे या देवी को दुनिया पूजे तुम अनुमान लगाओ क्यों? और कौन बने ये दूल्हा दुल्हन या को पतो बताओ क्यों? गाने में घनश्याम ओ क्यों? अरे गाने घनश्याम चाचा जी कहना है क्या? अरे गाने में घनश्याम जले जैसे सम्मासी सम्मासी। अरे गाने में घनश्याम जले जैसे सम्मासी सम्मासी क्यों? और बहु नदी के मोए लगे आखी अम्मा।